2023 में हम लोगों ने लगातार कई सारी कोशिशें की जिससे हमारे पास में अनुसंधानक बढ़ सके। जो विभिन्न मापदंड हैं, राष्ट्रीय मानक हैं और जितने केस हमारे पास में दर्ज होते हैं उसमें करीब 27,500 आयु हमारे पास होने चाहिए लगभग, लेकिन हमारे पास में जनवरी में महज 9,200 के आसपास अनुसंधानक उपलब्ध थे, यानी एक तिहाई अनुसंधानक ही हमारे पास में थे। तो इस कारण से कांडों का अनुसंधान लंबित होता रहा और जो समय सीमा है वो 261 दिन लग रही थी। इधर हाल के दिनों में हम लोगों ने इसमें मूलभूत परिवर्तन किया कि हमारे पास में नंबर बढ़े। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने पीटीसी पास सिपाहियों को अनुसंधान की शक्ति दी। दूसरा काम ये किया कि पहले स्थानापन्न प्रोन्नति वेतन रहित और अब वेतन सहित दी गई है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उस हिसाब से भी हमारे पास में आयु की संख्या बढ़ गई। हमारे दरोगा की रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फील्ड में गए और फील्ड में उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई, तो वो भी अब हमारे पास में अनुसंधानक बढ़ गए। तो कुल मिला के आज की डेट में लगभग हमारे पास में 15,000 के आसपास आयु हैं और एक महीने के अंदर जो हमारे पीटीसी पास करने के लिए, जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए लोग गए हैं, जिनको अनुसंधान की ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने की, वो भी जनवरी में पूरी हो जाएगी। तो उसमें भी करीब 5,000 अनुसंधानक हमारे पास में आ जाएंगे। तो कुल मिला करके लगभग 20,000 आयु हमारे पास में उपलब्ध हो जाएंगे, जो संख्या हमारे पास में अच्छी खासी हो जाएगी। और इन अनुसंधानक की जो संख्या बढ़ेगी उस कारण हम ये मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 हम लोग लागू करें। इसके अलावा एक और कारण होता था जिसके कारण कांड लंबित रह जाते थे, वो ये था कि पहले हमारे यहाँ सुपरविजन की व्यवस्था में दो ही